चलिए साथ ही साथ रुख करते हैं फरीदाबाद की एक और खबर की ओर। फरीदाबाद में आने वाली 30 तारीख को प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारण होना है, जिसकी तैयारी को लेकर आज केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में सेक्टर 16 स्थित अटल कमल कार्यालय पर बीजेपी के तमाम मौजूदा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में फरीदाबाद, पलवल, होडल के सभी मौजूदा चुनिंदा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की माने तो इस बार प्रधानमंत्री के मन की बात का एक विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है, जिसमें फरीदाबाद लोकसभा की एक अहम भूमिका रहेगी। इसकी तैयारियों को लेकर आज तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रधानमंत्री के मन की बात का 100वां एपिसोड को लोग सुने, इस बात की अपील की जा रही है। आज लोकसभा के सभी जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य हैं, चाहे वो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के सदस्य हैं, चाहे वो ब्लॉक समिति के सदस्य हैं, उन सब जनप्रतिनिधियों को आज बीजेपी कार्यालय फरीदाबाद में बुलाया गया है। और क्योंकि पूरे देश में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात के 100वें एपिसोड का प्रसारण 30 तारीख को सुबह 11 बजे होना है, उसकी तैयारियां पूरे देश में हर लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में बूथ स्तर तक चल रही हैं। हर बूथ पर कार्यक्रम होगा ये तय किया गया है, और बूथ के अलावा भी लोग अपने घरों पर भी प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुने, ये भी उसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। और हम इस बार सब कार्यकर्ता मिलकर प्रधानमंत्री जी के मन के बात के 100वीं एपिसोड को दुनिया में एक विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि इतना दुनिया का कोई भी लीडर या प्रधानमंत्री नहीं होगा जिनकी बात को एक समय में इतने लोग सुने, उसका विश्व रिकॉर्ड इस बार 30 तारीख को बनेगा, उसकी तैयारी चल रही है। हाँ, दूसरा हम चाहते हैं दुनिया में प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विश्व रिकॉर्ड निश्चित तौर पर बनेगा, लेकिन उस विश्व रिकॉर्ड में फरीदाबाद की भूमिका, लोकसभा की भूमिका अहम होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि विश्व रिकॉर्ड में जो बने उसमें फरीदाबाद का, लोकसभा का सबसे ज़्यादा योगदान हो। इसकी तैयारियां हमारे सब कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, चुने हुए प्रतिनिधि सब मिलकर कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि फरीदाबाद लोकसभा से ज़्यादा लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनकर, जैसे लोकसभा के चुनाव में फरीदाबाद ने अपना एक स्थान बनाया, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी के मन की बात में फरीदाबाद के कार्यकर्ता एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।